जी, मैं अगली कड़ी में मेरे ज्येष्ठ नेता और राष्ट्रीय नेता शरद पवार जी से विनती करता हूँ, ये वो मार्गदर्शन करें। रहते हैं जिनका सम्मान और स्वागत करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए और जिन्होंने भारत जोड़ो न्यास पूरी की, हिंदुस्तान के बहुत से राज्यों में लाखों लोगों को मिलने का मौका जिनको मिला, तो राज्य जी का मैं यहाँ स्वागत करने के लिए खड़ा हूँ। कई साथियों देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ आए हैं, अलग अलग राजनीतिक दल के नेता यहाँ हैं और उनका सम्मान और स्वागत करने के लिए आप यहाँ कई घंटे से मौजूद है। इसके पीछे एक ही बात है कि आज जो मुल्क की अवस्था है, हिंदुस्तान की जो स्थिति है, इसमें बदलाव लाने की गरज है। कि बदलाव ला सकते हैं हम सब मिलकर इकट्ठा होकर, जिन लोगों ने देश को अलग अलग आश्वासन देकर फंसाया, इनको दूर करने के लिए जब हमें वोट देने का मौका मिलेगा, उस दिन हमें कदम उठाना होगा। हम लोगों ने देखा कि आज जिन लोगों के हाथ में देश की हुकूमत है, उन्होंने कई एश्योरेंसेस देशवासी को दिए थे, किसानों को दिए थे, मजदूरों को दिए थे, बेरोजगार नौजवानों को दिए थे, महिलाओं को दिए थे, दलितों को दिए थे, आदिवासियों को दिए थे। और हम देखते हैं कि इसमें जो कुछ कमी चीज थी, इसमें कुछ भी उन लोगों ने हमने नहीं किया। और इसके जो लोग वायदा करते हैं और पूरा करते नहीं, उनको दूर करने के लिए हम लोगों को मिलकर कदम उठाना होगा और ये मौका हम लोगों को अगले महीने में मिलेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ये और कोई आश्वासन आप लोगों को देके, हम फिर से कुछ महीनों से हर दिन टेलीविज़न पर एक झूठी बात सुनते थे, मोदी जी की गारंटी। ये गारंटी चलने वाली गारंटी नहीं, ये गारंटी में सिक्योरिटी नहीं है। और इसलिए गलत गारंटी देकर, गलत आश्वासन देकर उन्होंने एक हम लोगों को अलग रास्ते पर लेने की कोशिश की। एक अच्छी बात होगी कि आज से वो टेलीविज़न पर गारंटी नहीं आएगी, उसका रोकने का काम इलेक्शन कमीशन ने तय किया। इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अन्य राज्यों से देश के अन्य हमारे साथी लोग यहाँ हैं, हम और आप हमेशा बोलते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसी शहर में 42 में महात्मा गांधी जी ने छोड़ो हिंदुस्तान का नारा दिया था, छोड़ो हुकूमत का नारा दिया था। आज उसी शहर में हम लोगों ने यह तय करना चाहिए कि छोड़ो भाजपा, भाजपा से मुक्ति, ये करने के लिए आप साथ रहेंगे। इतना भरोसा रखता हूँ, आपसे इजाजत देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।